everyone, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Maham here. और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं wearing guest makeup look. और आज की वीडियो के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा reasonable और local products जो हैं वो मैं use करूँ और इससे खूबसूरत सी look जो है create करूँ. और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए. ठीक है, और इस वीडियो क्लास में जो है मैं आपको ड्रेस डिटेल्स जो है वो भी शेयर करूँगी. सो कोई भी पार्ट आपने इसका स्किप नहीं करना. चले अब हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं. जब हम पहले करेंगे आइस मेकअप, देन उसके बाद जो है हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, हम अपना आइस मेकअप जो है वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी क्रिस्टीन का फेस कॉन्टोर पैलेट, जिसका नंबर है आई थिंक 01. ये इसका यहाँ से नंबर जो है वो रिमूव हो गया है, लेकिन आप इस तरह के फेस कॉन्टोर किट उनको कहिएगा जिधर से भी आप लें, उसमें 1, 2, 3, 4 ये चार नंबर्स होते हैं. उसमें से सबसे डार्क वाली ये किट है जो कि काफ़ी मेरी यूज़ होती है तो इसलिए गंदी हो गई हुई है. तो उसमें से ये डार्क ब्लैक पिश ब्राउन सा शेड है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड है ये इससे हम अपनी आईब्रोज जो है फिल करेंगे. ठीक है, अगर इस तरह का शेड आपकी आई शेडो पैलेट में है तो आप उसमें से भी ये इस तरह का शेड ले सकते हैं. सो आईब्रोज को फिल करने के लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का फ्लैट एंगल्ड सा ब्रश. आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं ब्यूटीफाई बाय आमला का ब्रश यूज़ कर रही हूँ. और इस ब्रश को ये पाउडर फॉर्म है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इस तरह ही नहीं अप्लाई कर देना, थोड़ा सा हमने ब्रश को वेट करना है. पानी से कर लें, रोज़ वाटर से कर लें, जिससे जो है वो आप वेट कर सकते हैं. थोड़ा सा वेट करके देन हमने ये वाला शेड लेना है डार्क शेड, और इसको हमने डायरेक्ट जो है आईब्रोज पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि ज़्यादा पिगमेंट जो इस तरह अप्लाई हो जाएगा. हमने पहले इसमें एक दो दफ़ा टैप कर देना जब थोड़ा सा पिगमेंट लाइट हो जाए. देन ब्रोज को इस तरह फिल करना है कि हमने यहाँ से जो है इसे थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसे हमने फिल करना शुरू कर देना बहुत लाइट हैंड से, क्योंकि जितना आप ज़्यादा ब्रश उसको प्रेशर दोगे ब्रश पर तो उतना ज़्यादा ही पिगमेंट जो है वो अप्लाई होगा. इसलिए हमने बहुत लाइट हैंड से करना है ताकि बहुत ज़्यादा पिगमेंट जो है वो ना लगे और आईब्रोज हमारी बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे और नेचुरल लगेंगी. इस तरह एंड नाउ यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस. सो नेक्स्ट स्टेप मैं क्राइलोन की आईब्रो स्टिक जो है वो अप्लाई करूँगी ऑन द लिड्स. और अभी से फिंगर से इसे से जो है हमने ब्लेंड कर लेना है और इस तरह डैब डैब करते हुए जो है हमने इसे ब्लेंड करना है ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा रिमूव ना हो, अपनी जगह पे रहे, बस अच्छे से ब्लेंड हो जाए. नेक्स्ट स्टेप, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इसे पाउडर से जो है मैं सेट करूँगी. इससे जो है आपकी जब आप आई शेड वगैरह अप्लाई करते हो तो क्रीजिंग नहीं होगी. ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं अप्लाई करना, बस हल्का का पाउडर जो है उससे इसे सेट कर देना है. नेक्स्ट आप ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ग्लैमरस फेस का आई शेड पैलेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ. इसमें से ये दो शेड्स हैं, एक ये पीची पिंक सा शेड है और ये गोल्ड शेड है. ठीक है, ये दोनों वैसे हाईलाइटर बहुत अच्छे लगते हैं. और इसके स्वाचेज भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने इसे स्वाच किया है. इसमें जो सेकेंड ये पीची सा शेड है ना, ये मैं ब्रो बोन पे अप्लाई करूँगी. मैंने थोड़ा थोड़ा इन्हें गीला कर लिया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा पिगमेंट जो है वो अप्लाई हो. और इससे मैं अपनी फिंगर टिप की मदद से ही लगाऊंगी. सो आज मैं करने वाली हूँ स्मोकी गोल्ड शिमरी आइस टाइप मेकअप. ठीक है, आइस का. सो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने लेना है आई शेडो पैलेट में सबसे जो लाइटेस्ट शेड है वो लेना है, और जबकि स्किन टोन से जो है मिलता हो, और ये वाला मैं शेड लूँगी. और इस तरह का फ्लफी ब्रश हमें चाहिए होगा. ठीक है, इस तरह जो है इसे हमने अपनी क्रीज जो है ब्लेंड करना है. सबसे जो लाइट शेड जब हमने अप्लाई करना ना, ये क्रीज जो है ना इधर इधर इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और डार्कर शेड लेंगे. जैसे जैसे हम डार्क शेड लेते जाएंगे हमने आईज़ के नीचे 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 आते जाना. ठीक है, पहले हमने लाइटेस्ट शेड लिया, उसे हमने क्रीज से थोड़ा सा ऊपर क्रीज में जो है अपनी अप्लाई करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है. ठीक है, और बहुत लाइट हैंड जो है अपने यूज़ करना है ब्रश, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है अप्लाई नहीं करना. इस तरह गोल गोल मोशन में आगे पीछे और फास्ट मोशन में. ठीक है, जितना फास्ट करेंगे उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी. और फिर जब हमने डार्क शेड लेना है वो हम अप्लाई करेंगे क्रीज से थोड़ा नीचे और क्रीज के अंदर. ठीक है, उससे ऊपर नहीं बजाना चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करके देन हमने कॉर्नर से
ब्रश को लटाते हुए ना ऐसे ऐसे पीछे की तरफ कर देना। और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ, वही जो मैंने यहाँ अप्लाई किया ना उसी को पीछे पीछे यूँ कर दिया। और आपने आईब्रोज को थोड़ा ना ऊपर लिफ्ट करते हुए देन करना है, ऐसे गिरा के फिर नहीं करना, लाइक ऊपर लिफ्ट करके देन करना है। नेक्स्ट हमने जो है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, ठीक है। और हमने थोड़ा डार्क शेड लेना है, पहले मैं लाइट शेड लिया था, अब हमें थोड़ा सा डार्क शेड लेना है। मैं ये वाला शेड लेती हूँ, ठीक है। और इसे क्रीज में अप्लाई करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। पहले हम अप्लाई कर लेंगे देन ब्लेंड करेंगे। हमने आईज से बाहर नहीं जाना, बस उधर उधर ही रख कर जो है इसे ब्लेंड करना है। बहुत लाइट हैंड मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो मैं नहीं दे रही। इधर से हमने इसे आई कॉर्नर से जो है मिला देना है, लाइक हमने वी बनानी है। नेक्स्ट हमने वही वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेना जो पहले हमने यूज़ किया था, उसमें दोबारा कोई शेड नहीं लेना और इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर देना दोनों शेड को आपस में। सी इसमें एक हार्ड सी लाइन आ रही है और उसमें नहीं आ रही, वजह से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो गए हैं। नेक्स्ट अब मैं ब्लैक काजल पेंसिल जो है वो अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर पर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ डियाना ऑफ लंदन की। आप कोई भी ब्लैक काजल है पेंसिल जो भी आपके पास है वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं इस तरह का फ्लैट एंगल ब्रश लूँगी, ठीक है, और उसमें लूँगी ये ब्लैक शेड। देन मैं इसके जहाँ मैंने काजल अप्लाई किया वहीं पे उसे रख के उधर ही ब्लेंड करूँगी। हमने आई से बाहर नहीं ब्लैक कलर को लेके जाना, ओके। और अब मैं ऐसे ये इस तरह स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और डार्क ब्राउन शेड लूँगी इसमें, और उससे इसे मज़ीद अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बस हमने आउटर वी जो है ना हमारा ये वी, इसी को हमने थोड़ा थोड़ा जो है अच्छे से ब्लेंड करके थोड़ा डार्क करना, बाकी अंदर तक हम सेम वही पिगमेंट दोबारा हल्का हल्का जो है ब्रश जो है वो ब्लेंड कर देंगे। बहुत लाइट प्रेशर, ऐसा लगा जैसे स्किन के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही, ठीक हो गया। और ये इतना खूबसूरत जो है ब्लेंड हो चुका है, रियल में ये इससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है जितना ये लाइट की वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट में रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब मैं दूसरी आई पे भी ऐसे करती हूँ। और एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जब भी आप इस तरह डार्क शेड्स अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ वगैरह गंदे हो देखते रहेंगे, ठीक है। हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, अगर आप वही गंदे हाथ आप फेस पर लगाओगे तो आपका पूरा मेकअप जो है ख़राब हो जाएगा। तो हाथ जो है आपके साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और अब जो है मैं अपनी लिड को अगेन फाउंडेशन से जो है थोड़ा नीट करूँगी, सिर्फ इसे इनर से मिड तक लाना है हमने, आउटर कॉर्नर को नहीं छेड़ना। ओके सो नेक्स्ट अब मैं रिवाज का डेजलिंग शिमर आई शेडो यूज़ करी, उसका नंबर है 2, विच इज़ अ ब्यूटीफुल गोल्ड शेड। और इसे मैं अपनी लिट में जो है अप्लाई करूँगी, ये इस तरह का शेड है। ओके सो नेक्स्ट मैं अगेन सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, वही डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे उसको आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो हार्ड सी लाइन जो नज़र आ रही है वो ना नज़र आए। सो नेक्स्ट अब मैं क्रायलोन का लाइनर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपने लैशेज अप्लाई करनी है तो लैशेज अप्लाई करने से पहले लाइनर जो है आपने मस्ट अप्लाई करना है, उससे लैशेज जो है आपकी एग्जैक्ट उस जगह पे जो है ना फिट हो जाती हैं बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ। मैं एक थिन सी जो है ना लेयर लगाई हूँ लैश लाइनर की, दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर बाद में मुझे ज़्यादा करना हुआ भी तो वो मैं लैशेज लगाने के बाद जो है उसकी शेप दूंगी। सो नेक्स्ट जो है अब मैं मेबेलिन का द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा जो है ये अप्लाई करूँगी, और बहुत ज़्यादा कोटिंग जो है इसकी नहीं करूँगी क्योंकि हमें लैशेस लगानी है और जब बहुत ज़्यादा थिक लैशेस लग रही होती है उसके ऊपर आई लैशेस फेक लैशेस लगाते हैं ना वो एग्जैक्ट अच्छी नहीं लगती, तो हमें बस इस तरह मस्कारा लगाना है कि सारी लैशेस जो हमारी सेपरेट सेपरेट लगें। जब मैं कोई काम कर रही हूँ या मेकअप वगैरह कर रही हूँ ना तो हर काम जो भी मैं कर रही हूँ ना उसमें मैं इतना घुस जाती हूँ ना कि कोई मजाक तक नहीं मेरे से होता ना कोई बात होती है, बस सीरियस हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप लोगों ने भी ये नोट किया हो।
हालांकि रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, बट पता नहीं जब वीडियो बना रही होती हूँ तो ऐसा हो जाता है। ओके सो नेक्स्ट जो है वाई लैशेज लगाते हैं। लैशेज जो है मैं यहूदा ब्यूटी की 6D लैशेज जो है ये लगाऊंगी। ये ओरिजिनल लैशेज नहीं है, मेरे बम्बिनो स्टोर से ली थी और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक 200 या 150 रुपीज़ की लैशेज थी। इसका नंबर है 26 और ये कुछ इस तरह की दिखती हैं। ठीक हो गया। लैशेज आपको हमेशा ऐसे बाय करनी चाहिए जो स्टार्ट से थोड़ी लाइक इधर से लगानी है तो यहाँ से भी ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, इधर से छोटी और फिर होती 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 कॉर्नर साइड से आउटर कॉर्नर से ही जो है ये इस तरह की हो। ठीक हो गया। और अब मैं इसे लगाऊंगी कैसे कैसे, पहले अपनी आईज़ पे रख के जो है मैं ये करूँगी और उधर साइड से जो है आउटर साइड से जो है इसे कट कर लूँगी अपनी आईज़ की अकॉर्डिंग और फिर इस पर ग्लू लगा कर देने अप्लाई करूँगी। ये देखें आप, इसकी शेप जो बिल्कुल यू शेप में नहीं आ रही, बिल्कुल ये सीधी सी शेप इसकी आ रही है। ठीक है, तो हमने लैशेस को पहले लगाने से पहले ना इसको यू शेप में जो है ना ऊपर नीचे टर्न करना, लेकिन दिखाती हूँ इस तरह इस तरह, इस तरह की लैशेस बहुत परफेक्ट लगती हैं। और फिर इसकी शेप जो कुछ इस तरह की लगेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगती, फिर ये इजीली जो अप्लाई हो जाती है। ग्लू पहले किसी पिन पे या हेयर पिन लेकर उस पर लगा के देन इसे लगानी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ग्लू लगाओगे तो ग्लू ज़्यादा लग सकती है और आपकी आई लैशेज जो है वेस्ट हो सकती है। ठीक है, अब आई लैशेज पे ग्लू लगाने के बाद इसे 10 सेकेंड्स के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए, तभी थोड़ी थोड़ी स्टिकी हो जाए ना, देन हमने इसे लगाना। गीली लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं। तो हम आई लैशेज़ को बिल्कुल जहाँ हमने लाइनर लगाया था ना, बिल्कुल आई लैशेज़ के पास पास करके हम इसे रख देंगे। पहले हम इसे दरमियान से लगाएंगे, देन फिर साइड से। थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ हमने इसे प्रेस करना है। ठीक है, पिन पर ही मुझे मिली, ये मिला मुझे कॉटन बर्ड से इसे मैं अंदर की तरफ प्रेस कर दूंगी ताकि बिल्कुल स्किन के साथ जो है ना लग जाए। सो नाउ आई विल अप्लाई दी आई लाइनर इतना लगाना है कि ये बिल्कुल जो कॉर्नर जो है ना यहाँ से बिल्कुल यहाँ से एक लाइन हम ड्रा करेंगे। ठीक है, और फिर उसको जो लाइन हमारा लगा हुआ था उसे मिला देंगे और उसको फिल कर देंगे। तो फेस जो मैं अपना क्लीन कर चुकी हूँ और सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैं करने लगी हूँ वो है कि मैंने लगाना है सीरम। लेकिन अगर आप लोगों के पास सीरम नहीं है तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने क्या करना है जी, हमने लेना है एक ड्रॉपर, कोई भी ड्रॉपर ले लें और आलमंड ऑयल जो भी आपके पास है 1-2 ड्रॉप्स जो है उन्हें पूरे फेस पे वो लगा लेना, क्योंकि आलमंड ऑयल जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है तो ये बहुत अच्छे से स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। और फाउंडेशन लगाने से 10-15 मिनट्स पहले हमने ये सीरम प्राइमर मॉइस्चराइज़र सब कुछ जो है ये लगा लेना। ठीक है, और जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए देन हमने अप्लाई करना है फाउंडेशन। सो नेक्स्ट अब मैं फेस स्टूडियो प्राइमर लगा रही हूँ मेबेलिन का, बस हमने लेना है ये और फुल फेस पे इसे अप्लाई कर लेंगे, स्पेशली जिधर आपके पोर्स हैं अगर हमने ज़्यादा अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ताकि एक स्मूथ सी फाउंडेशन जो है वो अप्लाई हो जाए और डैब डैब करते हुए इसे अप्लाई करना है ताकि जो पोर्स हैं वो फिल हो जाएं। सो फाउंडेशन मैं अब लगा रही हूँ मिसारत मिस्पा की सिल्क फाउंडेशन, उसका शेड है पोर्सिलेन। ठीक है, पहले इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करके देन हम इसके 2-3 पम्प्स लेंगे। इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, ये 2 ड्रॉप्स ले लिए। ठीक है, फिर इसको फाउंडेशन को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और फिर डॉट डॉट करके हमने इसे अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको इतना कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, तो इसे आपके डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सब कवर हो जाता है। नोज़ पे जो है हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, वो बाद में ही जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो वही हल्का हल्का जो है लगा देंगे, क्योंकि नोज़ जो है ना फिर पोर्स उधर ज़्यादा ओपन नज़र आने लगते हैं, प्रोमिनेंट हो जाता है वो। नेक्स्ट अब मैं ब्यूटीफाई बाम लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से जैसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी।
डैब डैब करते हुए हमने करना, फिंगर से भी कर रहे हो तो डैब डैब करते हुए हमने इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, ठीक है। नेक और आपके जो ईयर है इधर हमने नहीं भूलना, इसको पे भी हम, इस पे भी हमने अप्लाई करना है फाउंडेशन को, और इस साइड पे भी कॉर्नर से अच्छे से करना, ये डार्क ना रह जाए, टिप से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और अब फिर जो ब्यूटी ब्लेंडर पे जो फाउंडेशन लगा होगा हम उसको हल्के हल्के से इधर डैप कर देंगे नोज़ पे। चलो ये फाउंडेशन इतनी अच्छी है कि देख सकते हो आपके, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन स्पॉट जहाँ जहाँ थे वो अच्छे से जो है इससे हाइड हो गए हैं। और अब मैं कोई भी कंसीलर जो है नहीं अप्लाई कर रही, इसके बाद आपको वैसे भी कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतनी अच्छे से आपके जो है ये कवरेज देती है। ओके सो नेक्स्ट स्टेप, मैं लूज़ पाउडर से जो है इसको फाउंडेशन को सेट करूँगी, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का लूज़ पाउडर नंबर TL9, ठीक है, इस तरह का कुछ ये है। से आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है और क्रीजिंग वगैरह जो है वो नहीं होगी। और हमने फोरहेड पे जब अप्लाई करना है और नोज़ पे, तो हमने बहुत ज़्यादा पाउडर लेकर अप्लाई नहीं करना, जो हमने डस्ट ऑफ इधर फेस पे पूरे अप्लाई किया वही खाली ब्रश लेकर हल्का हल्का हमने इधर लगा देना, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना फोरहेड आपका ड्राई लगने लग जाता है। सो नेक्स्ट जो है अब हम कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग के लिए मैं अगेन क्रिस्टाइन का कॉन्ट्रो किट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसका इसके जो शेड्स हैं अब आप देख सकते हो, पहले वाले से लाइटर हैं, इसमें से जो है मैं ये लाइट शेड जो है वो लूँगी और ये कुछ एंगल ब्रश जो है कॉन्ट्रो ब्रश इससे लगाऊंगी, इसको लेकर डैब 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 एंड देन पाउडर बना लें हम। और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इस लाइन में जो है हमने हाफ मीट तक लगाना है, ठीक है। That's it. ठीक है, आपको एक लाइन मिल गई, इसको हम बाद में ब्लेंड करते हैं। और इधर से अगर तो आपकी चेन बहुत ज़्यादा है तो आप नीचे इस तरह करके अप्लाई करोगे ज़्यादा, ठीक है, मेरी इतनी ज़्यादा आप देख सकते हो नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको एक शेप दूंगी फीचर तक, इस तरह जो प्रोमिनेंट हो, नहीं हो तो वो इरेगुलर सा लग रहा होता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, इधर से कितना स्ट्रेट आ रहा है, इधर से इतना इरेगुलर सा लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉरहेड पे। ओके सो अब नोज की कॉन्टोरिंग करते हैं। थोड़ा सा हमने पिगमेंट लिया, शेड लिया और थोड़ा सा इसके हाथ पे टैप टैप करके देन हम नोज़ पे, क्योंकि नोज़ पे डायरेक्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाई नहीं करना, ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प लगेगा, तो बहुत हल्का सा लगाना है और बहुत लाइट हैंड से, लाइट प्रेशर ऊपर से आईब्रो से लाते हुए नीचे। थोड़ा सा पिगमेंट लिया। ओके सो अब ब्लश जो है मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का 20 नंबर 20 बेरी मी अप, इसको अच्छे से लूँगी। ब्रश हमने सॉरी ब्रश नहीं ब्लश जो है हमने थोड़ा ज़्यादा लगाना है क्योंकि थोड़ी देर तक जो है ये कम हो जाता है, स्माइल करते हुए हमने लगाना है और बहुत लाइट लाइट डैब डैब करते हुए कलर दें पहले उधर, फिर उसे ब्लेंड कर लें। फिर अगेन लिया, थोड़ा सा नोज पे लगाया, ओके सो नेक्स्ट जो है अब हम हाईलाइटर अप्लाई करते हैं। हाईलाइटर के लिए अगेन मैं ग्लैमरस का पैलेट ले रही हूँ और वही वाला शेड पीजी जो शेड था मैंने सबसे पहले स्टार्ट में लगाया था ब्रो फोन पे, वही मैं थोड़ा सा लूँगी फिंगर से और अप्लाई करूँगी। यू कैन सी एज ए हाईलाइटर भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है, माई गॉड, अब इस ब्रश की भी ज़रूरत नहीं है, फिंगर से इतना अच्छा लग गया, कैन यू सी कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज नेक्स्ट ड्यूई फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे टू सेट माई मेकअप, और थोड़ा डिस्टेंस रखे देन हमने स्प्रे करना है और आइज़ को कवर करके, क्योंकि आइज़ पे जो भी हमने मेकअप शेडो लगाया वे सारा गीला हो जाएगा, और इस तरह हम करके अप्लाई करेंगे। तो सबसे लास्ट पे हमने जो है ग्लीटर लगाना है और लिपस्टिक। ग्लीटर जो है ये एक
फिर टाइम वैसे गिर गया मेरा सारा। फिर लास्ट में जो है हमने ग्लीटर लगाना है। ग्लीटर मैं लोकल साई को यूज़ कर रही हूँ, एक कोस्मी 3D स्पार्कलिंग डस्ट ग्लीटर जिसका नंबर 303 गोल्ड स्पार्क, इस तरह का ये है, बहुत चंकी सा। फिक्सिंग जेल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लूँगी अपने हाथ से। तब मैं इस तरह का फ्लैट ब्रश लूँगी और उस पर ये ग्लीटर में टिप करूँगी, ठीक है। ये ग्लीटर ले लिया और इसको इस ग्लू में मिक्स करके देन मैं अपनी आईज़ पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत अच्छा है, ये ग्लू जो मैंने लगाई है ना, ये है इम्पाला कॉस्मेटिक्स की, मैंने बम्बिनो स्टोर से ली थी। देख सकते हैं कितना इससे आईज़ जो हमारी इनहेंस हो गई है। दूसरी आईज़ पे भी लगाते हैं। और ग्लिटर्स वगैरह आपने जब भी लगाने हैं ना, आपने लाइनर लगाने के बाद लास्ट पे ही लगाने हैं, क्योंकि अगर आप पहले ग्लिटर लगा लोगे देन लाइनर लगाओगे ना, तो लाइनर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। वही सेम हाइलाइटर मैं लूँगी, ठीक है, और ये इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, उसे हाईलाइट करूँगी। सारा मेकअप करने के बाद मुझे अभी याद आया मेरी वाटर लाइन और लोअर लैश लाइन रह गई है, मैंने वो भी अभी करना है। सो अब मैं पहले लाइनर जो है उसे कम्प्लीट कर लूँ। और लोअर लैश लाइन जो है उसमें सिर्फ यहाँ तक आउटर कॉर्नर में ही जो है मैं ये पेंसिल से मैं अप्लाई करूँगी। और देख सकते हैं इससे मेरी आईज़ कितनी ओपन ओपन और बड़ी लग रही है, हालांकि मेरी आईज़ बहुत छोटी है। तो हमने इसे पूरी आँख में अप्लाई नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक अप्लाई करना है। और अब मैं ब्लैक शेडो लगाऊंगी इसके ऊपर, इसे स्मच करूँगी, सिर्फ वहीं तक लेकर आना, हमने पूरी आईज़ पे इसे अप्लाई नहीं करना। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मैं पहले यूज़ किया था वही लूँगी, वही डार्क ब्राउन शेड लूँगी जो मैंने आईज़ ऊपर आईज़ से अप्लाई किया था, और इससे इसको मज़ीद ब्लेंड करूँगी। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ रिबाज का ग्लिटर लाइनर इन शेड 01 और इसे लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी। ये फेवरेट कॉम्बिनेशन है लिपस्टिक्स का जो मैं लगाती हूँ मोस्टली। मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर, वो है रिबाज का जिसका नंबर है 017 लाइट पिंक। इससे मैं आउटलाइन करूँगी लिप्स की। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई फ्लोर मार सुपर मैट लिपस्टिक जिसका नंबर है 207 विच इज़ अ ब्यूटीफुल पिंक कलर, और इसे मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी लिप्स पे। और एक चीज़ और कि हमने लिपस्टिक को बहुत ज़्यादा कॉर्डिंग नहीं करनी है उसकी, उससे क्या होगा कि आपके लिप्स जल्दी जो है वो लाइन्स उसमें पड़ जाएंगी। मैं एक और शेड जो है ऐड करूँगी जो कि थोड़ा ब्राइट पिंक कलर है, और इसका ये मिडोरा की लिपस्टिक है जिसका नंबर है 565 ट्यूलिप पिंक शेड, और इसको मैं ब्रश की मदद से लगाऊंगी। और बस इसके ऊपर हल्का हल्का जो आपने लगा देना है, इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। सो माई मेकअप इज़ डन, आई होप कि मैंने कुछ मिस ना कर दिया हो, बट दिस इज़ द फाइनल लुक। अब जल्दी से जो है कपड़े चेंज करके वापस आती हूँ। तो ये एयरिंग्स जो है ये मैंने फैसलाबाद में झाड़ पे शॉप है एक शीश महल उधर से मैंने ये लिए थे। ओके जनाब, अब ड्रेस की डिटेल्स देख लेते हैं। ये ड्रेस जो है ये मैंने बहू रानी बुटीक उधर से बनवाया था, जो कि लिखा हुआ है न्यू बानो बाज़ार गली नंबर 5 जो भी है सारा लिखा हुआ है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। इधर से मैंने बनवाया था, ये फैसलाबाद में है शॉप। और ये कोई डिज़ाइनर का ड्रेस था, उसकी पिक्चर दिखा के मैंने बनवाया था। कपड़ा कलर डाई हर चीज़ जो है मैंने इनको ख़ुद से लाकर दी थी। ये कलर मैंने ख़ुद सेलेक्ट किया था शॉकिंग पिंक, और इसके साथ ये जिंक कलर का कैप्री ट्राउज़र है जिसके नीचे जो इस तरह का काम हुआ हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ऑर्गेंजा की ये राव सिल्क कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट सा है। और इसके साथ ये दुपट्टा है स्किन से कलर में, और इसके साथ ये पाइपिंग करवाई हुई है शॉकिंग पिंक कलर की जो कि शर्ट का कलर है। इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे थे न्यूली वेड्स पे, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ब्राइट कलर्स। और इस तरह जो है इस पर ये स्प्रे हुआ हुआ है। अब देख लेते हैं शर्ट, शर्ट पे मस्टर्ड ऑरेंज सा कलर का टच है और शॉकिंग पिंक है। स्लीव्स जो है इसके फुल हैवी हैं काम वाले, ठीक है। और इस तरह से इसका गला है, बोर्ड शेप गला है इसका, गला थोड़ा डीप है। इसकी पिक्चर भी मैं शेयर कर दूँगी। और ये स्टफ़ जो है सिल्क स्टफ़ है, और बैक से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे स्किन कलर की जो है पाइपिंग हुई हुई है, ठीक है।
और सिर्फ इसका जो बैक पे गला है ना उस पर इस तरह की बेल सी बनी हुई है। और आई थिंक ये 30 to 32 के इतने तक का बना था ये ड्रेस, लास्ट ईयर मैंने बनवाया था। नहीं नहीं मेरी दुल्हनों पे इस तरह कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं। तो जी ये होगी ड्रेस की डिटेल्स, अब फाइनल लुक जो है वो देख लेते हैं।